नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, इस पूरे प्रक्रिया के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट बॉक्स का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, अब हर चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि साल 2004 के बाद से पूरे देश में चुनाव की इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन आज भी राज्यसभा का चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, इसमें बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नहीं तो आज हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे आखिर राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो राष्ट्रपति का चुनाव विधानसभा और लोकसभा से अलग होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वोट डालने वाला कोई भी इंसान जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत करता है तो उसके नाम के आगे उसे 1, 2, 3 लिखना होता है। इस नंबर को लिखने के लिए वहाँ पर बैलेट पेपर में कॉलम नंबर 2 बना होता है, जिसमें आपको अपना मत देना होगा, यानी कि अपने उम्मीदवार को नंबर के हिसाब से बताना होगा। आपको बता दें कि अभी भी ईवीएम को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि उससे राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सके। यही वो कारण है जिससे कि राष्ट्रपति का चुनाव अभी भी बैलेट बॉक्स के माध्यम से कराया जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति के वोटों को गिनती होती है वह बहुत ही अलग तरीके से होती है। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक जनप्रतिनिधि के वोट का वैल्यू निकालना जाता है, जैसे कि उसके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर इसका जो है निर्धारण किया जाता है। आपको बता दें कि किसी भी विधायक के वोट का वैल्यू निकालने के लिए उस राज्य के कुल जनसंख्या में कुल विधायक का भाग दिया जाता है, और जो संख्या आती है उसमें 1000 से भाग दे दिया जाता है। उसके बाद जो संख्या आएगी वो उस समय के विधायक का वोट का वैल्यू होगा। वहीं अगर हम सांसद के वोट के वैल्यू को अगर हम देख ले तो सभी राज्यों के विधायकों के वोटों के कुल मूल्य में सांसद सदस्यों का भाग दिया जाता है। इसके बाद जो संख्या आएगी वह एक सांसद के वोट का पूरा मूल्य होगा। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में एक विधायक और एक सांसद के एक मत के लिए कितना गुणागणित करना पड़ता है। ऐसे में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना कितना कठिन है। साथ ही साथ अभी तक इस तरह का सॉफ्टवेयर भी नहीं डेवलप हो पाया है कि इसे ईवीएम में इस्तेमाल लिया जा सके, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम के अलावा दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बैलेट बॉक्स के माध्यम से चुनाव कराया जाता है। चुनाव आयोग ने बताया है कि साल 2004 से अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव और 127 विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा है। पंचायतों में ईवीएम को लेकर थोड़ी समस्या जरूर आती क्योंकि यहाँ पे पद ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी पंचायतों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा, इससे वोटों की गिनती आसानी हो गई है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा जिसमें कि राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार के आगे 1, 2, 3 लिखना, ये एक तरह से कह लें कि एक राष्ट्रपति चुनाव का एक अलग मेथड है, एक अलग तरीका है, जिसका कि सॉफ्टवेयर अभी तक ईवीएम में डेवलप नहीं हो पाया है, जिसके कारण आज भी जो है बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।